तुम कहा नहीं बनाया डीपीपी ना? डीपीपी कहा नहीं बनाया? डीपीपी डाले थे ग्रुप में? हाँ क्या बनाया था? देखिए लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टेस्ट क्रॉस पढ़ रहे थे, ठीक है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? तो टू डिटरमिनाइन द, हाँ डिटरमिनाइन करने में मदद करता है, डिटरमिनाइनिंग, हाँ डिटरमाइनिंग द आपको पैटर्न ऑफ, द पैटर्न ऑफ जीनोटाइप है ना, पैटर्न ऑफ जीनोटाइप है ना, ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप ऑफ एनी है ना, ऑफ एनी एनी हाइब्रिड है ना, किसी भी हाइब्रिड का है ना जीनोटाइप पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं, ठीक है। टेस्ट क्रॉस जब भी देखते हैं हम लोग, वो क्या होता है सर आपको, ठीक है, एक है ना आपको यानी कि टेस्ट क्रॉस जब भी किया जाता है, ठीक है, ये है ना टू डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ जीनोटाइप ऑफ एनी हाइब्रिड, किसी भी हाइब्रिड का जीनोटाइप पता लगाने के लिए जब हम लोग अप्रोच लेते हैं, उस अप्रोच को टेस्ट क्रॉस करते हैं। कोई भी हाइब्रिड हो, हाइब्रिड प्लांट को रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं, ठीक है, रिसेसिव से क्रॉस कराना होता है, रिसेसिव पेरेंट से या रिसेसिव नेचर वाले से है ना, रिसेसिव नेचर से जब क्रॉस कराते हैं तो इससे जो भी बनता है इससे जीनोटाइप का पता चल जाता है जी, ठीक है, जीनोटाइप का पता चल जाता है जी, ठीक है, जीनोटाइप का पता चल जाता है, ठीक है। तो इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, टेस्ट क्रॉस के नाम से लाते हैं। अगर यही हाइब्रिड में अगर हिट्रोजाइगस है ना, हिट्रोजाइगस है, हिट्रोजाइगस है, हिट्रोजाइगस मोनो हाइब्रिड होगा, याद कीजिए हम पढ़ाई में थे आपको, हिट्रोजाइगस मोनो हाइब्रिड होगा तो इसका रेशियो 1:1 आएगा। वह जगह होमोजाइगस होगा है ना, होमोजाइगस होगा है ना, होमोजाइगस आएगा, ठीक है। तो आपको ऑलवेज क्या होगा सर, आपको सेम टाइप का होगा जी, सेम सेम ऑफस्प्रिंग होगा, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो जी, ठीक है। इतना बात बता दिए थे जी, एक बार फिर से देखो है ना, एक बार हम लोग क्या देख रहे हैं कि माने कैपिटल टी है सर, एक क्या सर स्मॉल टी है ना, और इसको जब हम लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी को, यहाँ पे क्या बनाएगा, गैमिट बनाएगा, गैमिट में कैपिटल टी ये होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये होगा, और जब दोनों आपको कंबाइन करते क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, इसको हम लोग क्या मानेंगे, एफ वन है ना, एफ वन हुआ ये है ना, दिख रहा है तो एफ वन ये हुआ, ठीक है। एफ वन के जस्ट पीछे जो देखो, पीछे जाओगी तो पीछे कौन है, दोनों है ना, कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी है। अगर आप इन दोनों में से किसी से भी क्रॉस कराते हैं, इस घटना बैक क्रॉस करते हैं, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में जमीन आसमान का अंतर है, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है बैक टेस्ट क्रॉस के साथ है ना। नया टॉपिक आज हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है सर आपको, बैक क्रॉस है ना। बैक क्रॉस किसे कहते हैं, जब हम पीछे वाले नेचर वाले से क्रॉस कराते हैं है ना, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बैक क्रॉस के नाम से बुलाते हैं। पीछे कौन है इसका है ना, कैपिटल टी है, और एक क्या है सर आपको, स्मॉल टी है, कुछ भी हो सकता है सर, मतलब हम इसको क्रॉस, या तो हम इससे मेरा मर्जी कराए, या मेरा मर्जी होता है हम स्मॉल टी से क्रॉस कराए, दोनों में से किसी से भी क्रॉस करा सकते हैं। इस सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, बैक क्रॉस के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बैक क्रॉस के नाम से बुलाते हैं, दिमाग लगा रहा है क्या नाम, बैक क्रॉस का मतलब जस्ट पीछे साइड वाले से क्रॉस करना, कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, और इसको क्रॉस किया या तो कैपिटल टी से स्मॉल टी से, इसमें कोई लड़का हमको नहीं पढ़ाएगा कि सर इसमें एक स्मॉल टी दिखा ना तो क्रॉस कर देंगे तो इसको टेस्ट क्रॉस मानेंगे, मतलब एवरी टेस्ट क्रॉस इज बैक क्रॉस, नहीं गलत हो जाएगा, जरूरी नहीं है, हम कह दिए ना एनी हाइब्रिड ले सकते हैं, किसी भी हाइब्रिड का क्रॉस कराते हैं है ना आपको रिसेसिव से, तो इसको हम लोग कहते हैं बैक टेस्ट क्रॉस करते हैं। या फिर यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं सर क्या आपको पिछला ही पेरेंट से क्रॉस करा रहे हैं, मतलब जस्ट पहले वाला पेरेंट से क्रॉस, एक स्टेप पीछे जाना, एक स्टेप पीछे जाते उसको क्या शब्द कहें, बैक कहें ना, बैक क्रॉस के नाम से जाना गया जी। आप लोग से क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो समझो है ना, बैक क्रॉस समझ आने के बाद एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि आपको चार ऑप्शन देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शो बैक क्रॉस, क्वेश्चन समझ में आएगा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग शो बैक क्रॉस है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग है ना, फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग शो शो बैक क्रॉस है ना, कौन है जो बैक क्रॉस शो करता है, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन है आपको है ना इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग शो करता है बैक क्रॉस है ना, दूसरा ऑप्शन है आउट क्रॉस शो करता है बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, तीसरा ऑप्शन है क्रॉस ब्रीडिंग, तीसरा ऑप्शन है क्रॉस ब्रीडिंग है ना, ये शो करता है बैक क्रॉस, और जान में चौथा ऑप्शन दे रहे हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जो कि कभी नहीं होगा, इंटर स्पेसिफिक है ना, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इस सब सुने हुए सब आदमी ना, जैसे हम कहते हैं ना ए को ए में ही क्रॉस कराना है, उसका बच्चा आया तो उसी को अपने में ही क्रॉस कराना है, अपने में क्रॉस करना, ये नहीं पेरेंट्स ही नहीं क्रॉस करा रहे, तो इसका मतलब क्या होगा सर आपको, इसको इनब्रीडिंग कहेंगे, ठीक है, और इसी को हम लोग बैक क्रॉस भी कहेंगे। और आउट क्रॉस में क्या होता है, ए को क्रॉस करके किसी दूसरे रिलेटिव के साथ क्रॉस करें, हाँ खानदान एक होगा, मतलब नेचर एक होगा, जर्सी का जर्सी में ही क्रॉस कर रहा है, बस उसका खानदान एक जैसा नहीं होगा, इसको क्या कहेंगे आउट क्रॉस,
क्रॉस ब्रीडिंग में क्या था, एक को हम लोग क्या बी से क्रॉस करते थे, क्या करते थे आउट क्रॉस है ना, सॉरी क्रॉस ब्रीडिंग आई इंटेंशन एक को तो और से क्रॉस करते, दो अलग अलग स्पीसीज में क्रॉस कराते। अनिका बोली थी क्या इन ब्रीडिंग? हेलो सर, आउट क्रॉस भी तो होता है। आउट क्रॉस में देखो एक को तो ए से क्रॉस करा रही हो ना, ठीक है, लेकिन दोनों का देखो रिलेशन दूर तो है ना, मतलब ये हो गया आपको लोकल जर्सी का यहाँ दरभंगा का, ये हो गया किसी और जगह का, ये दूसरा खानदान हो गया ना, अपना खानदान ना हुआ। अभी तुम पढ़ी ना बैक क्रॉस में क्या था, पेरेंट्स से ना क्रॉस करा रहे थे, यहाँ बच्चा बना अपना कैपिटल स्मॉल है, पीछे वाले पेरेंट या तो तुम्हारा मर्जी था इससे क्रॉस कराना या तुम्हारा मर्जी था इससे क्रॉस कराना, पीछे अपने ही पेरेंट में ना हो रहा है, अपने टाइप्स के ना पेरेंट में हो रहा है, इसको ना कहेंगे इनब्रीडिंग है ना, इसको कहेंगे बैक क्रॉस। मतलब ये आंसर होगा बैक क्रॉस कौन होगा आपको, ये वाला आपको दिखाई देगा जी, दिमाग लगा रहा है हम क्या समझाना चाह रहे थे, ठीक है। तो आप लोग से कोई पूछ देगा बैक क्रॉस का कौन एग्जांपल होगा, तो इनब्रीडिंग इसका क्या होगा, बैक क्रॉस का एग्जांपल होगा जी, समझा रहा है क्या चाहिए। फिर से एक बार क्वेश्चन देखो है ना, फिर से यही क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सो है ना बैक क्रॉस है ना जी, एक हाइब्रिड प्लांट है ना, हाइब्रिड प्लांट है ना, कॉम्बिनेशन टू प्लांट है ना, इसका दूसरा मतलब क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लांट, दो प्लांट का कॉम्बिनेशन है ना, उसके बाद ये हार्ड लेवल का तैयारी होगा तब ऐसा पूछ देगा, बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है ना, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायोटेक्नोलॉजी यानी जीएम प्लांट, शॉर्टकट में इसको क्या लिख सकते हैं, जीएम प्लांट लिख सकते हैं है ना। तीसरा ऑप्शन क्या होगा, तीसरा ऑप्शन होगा है ना आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट या HW, आपको जेनेटिक इक्विलिब्रियम या HW है ना इक्वेशन या HW फ्रीक्वेंसी है ना, HW फ्रीक्वेंसी है ना, क्लियर हो रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। तो देखिए इसका ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, पर हम बोथ नहीं दिए हैं तो आपको ये टिक मारना है, ठीक है, इसमें टिक मारना है। याद कीजिए आप लोग, ये HW फ्रीक्वेंसी में हम रैंडमली क्रॉस करते थे, ए और ए था, कैपिटल ए स्मॉल ए था और स्मॉल ए स्मॉल ए था, कोई किसी से भी शादी कर सकता है, कोई कैसा ही बच्चा जन्म दे सकता है, लेकिन उसको सिलेक्शन अपने में ही से किसी को करना है, तो अपने से करना है, बैक हो गया ना, माय बाप जैसा होगा जी, लेकिन एक थर्ड पार्टी अलग हो गया ना, पहले पढ़ा जी, मतलब ये ज्यादा सही नहीं होगा, ज्यादा सही को जेनेटिक ड्रिफ्ट याद कीजिए कि अगर हम इस सबको मार दे तो बच्चा कौन था, स्मॉल ए है ना, और स्मॉल ए शादी करते क्या उसका बच्चा यही होगा, ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, नया ऑप्शन नया नहीं है तो क्या करेगा, उसी से ना शादी कर लेगा, क्लियर हो रहा है क्या, मतलब पेरेंट्स ही ना क्रॉस कर लिया, नहीं जा रहा दिमाग में क्या बोलना चाहे। टेस्ट क्रॉस पहले दिमाग से हटा लिया ना कि टेस्ट क्रॉस बहुत अलग चीज था सर, उसका बैक क्रॉस से कोई लेना देना नहीं है, लगेगा तुमको कि हाँ सर है लेना देना, रिलेशन तो है लग रहा है आपको, पर वही वो अलग चीज है, वो तो ये नहीं पता। हाँ रुक जाओ देखिए हमको कहना कि बैक क्रॉस कौन देख रहा है, किस में देख रहे हैं हम लोग, चार ऑप्शन है, देखो पहला कर हाइब्रिड प्लांट, तुम जानते हो हाइब्रिड प्लांट दो अलग अलग प्लांट को मिलाते हैं ना, इससे नया प्लांट बनाते उसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड प्लांट। ये जो बना ए बी है ना, ये तो अलग ही तरह का पौधा हो गया ना, आप इसका क्रॉस कराइए बी के साथ, ऐसे अलग लगे तब इसका होमोजाइगस होगा सर, 3-4 हमको नहीं समझ में आ रहा है, 3-4 में। अच्छा पहला अच्छा ये सोनम भारती है, वाह सोनम भारती ना, कैसा लग रहा आपको, हेलो लग रहा है कि ब्लैक मतलब व्हाइट बोर्ड है उसे ब्लैक ब्लैक हैंड से साफ कर रहा हूं, ये जाएगा बेइज्जती कम करूंगा है ना, यहाँ हम तो अभी तुमने याद तो आलू का फोटो रखते हैं, आलू को सोनम भारती मान के रखते हैं, देखो आलू देखते हैं सोनम भारती एक आई है ना, यहाँ तो बहुत चंदू था छोटा चंदू काला चंदू, सोनम भारती है ना, सोनम भारती देख रही है बनना, देख रही है सोनम भारती, दिखाएंगे नीचे में जाके हम भी दिखाएंगे छोटा चंदू मोटा चंदू, बैठा दिए हैं तुमको है ना, बैठ के रहना यहीं पे। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सो है ना, हम बताते हैं है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सो है ना बैक क्रॉस, पहला देखिए क्वेश्चन में करा कि बैक क्रॉस कौन सो करेगा, पहला ऑप्शन था हाइब्रिड प्लांट है ना, हाइब्रिड प्लांट है ना, जो हम करें नहीं होगा आंसर, ठीक है, इसको अभी हटा के रखना है। दूसरा जीएम प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है ना, बायोटेक्नोलॉजी से बना हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। तीसरा ऑप्शन है जेनेटिक ड्रिफ्ट, उसमें भी हम तुमको चाहे ना बोल सकते हैं बॉटल नेक इफेक्ट है ना, इसमें भी कौन होगा है ना, बॉटल नेक इफेक्ट है ना। और चौथा ऑप्शन दे रहे हैं तुमको क्या है ना, चौथा ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, इसमें चौथा ऑप्शन क्या है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, आपको है ना HW आपको ऑपरेटिंग एरिया है ना, ऑपरेटिंग पॉपुलेशन, ऐसा पॉपुलेशन जिसमें HW ऑपरेट हो रहा हो, ठीक है, पल्ले पर आ जाए क्या बोलना है। अब देखो
ये वाला और ये वाला देखो, है ना, हम तीसरा चौथा ऑप्शन को देख रहे हैं, है ना, फोर्थ ऑप्शन है, है ना। फोर्थ ऑप्शन में क्या है कि हम एक बार याद कीजिए, हम आपको कहा है थे क्या जेनेटिक HW लॉ किस पे लागू होता है, जैसे एक ही तरह का जीन होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल है इस तरह का, इसका भी आबादी है सर, इसका भी आबादी है और इसका भी आबादी है जी। हम इसमें कहे थे ना कि कोई किसी से भी क्रॉस कर सकता है, पर इसको चूज करने के लिए तीन ही ऑप्शन है, और मान ये दोनों क्रॉस करता है सर, ये दोनों क्रॉस होता है, इसका बच्चा कैसा बनेगा, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा ना, दिमाग लगा दीजिए यहाँ तक कहना चाहे। आप इसके पास चूज करने का ऑप्शन, या तो अपने माए बाप जैसा बच्चे को चूज करें, इसी से क्रॉस करे, या नहीं तो इससे क्रॉस करे, तो इसको बैक क्रॉस ना कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास ऑप्शन एक थर्ड ऑप्शन है ना जी, लग रहा है। अभी हम क्या बोले थे बैक क्रॉस का डिफिनेशन, कि अगर कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, और दोनों जब क्रॉस करता है, आवाज आ रहा है ना सबको, तो इस दोनों से क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी है, अभी जब कैपिटल टी स्मॉल टी है तो पीछे जाके क्रॉस करता है, चाहे ये हो चाहे ये हो, इसको ना बैक क्रॉस कहेंगे। अब देखो इस दोनों के क्रॉस करने से ये दोनों बच्चा बना, इसके पीछे कौन है जी, ये दोनों है ना, ये दोनों है ना जी, कैपिटल ए है और कैपिटल ए स्मॉल ए है जी, जा रहा जी बात समझ क्या बोलना चाहे, और ये इस दोनों से क्रॉस कर रहे तो क्या कहेंगे, बैक क्रॉस कहेंगे, ठीक है, कह सकते हैं ना जी, पीछे जा रहे थे यही दोनों ना है, लेकिन इसके पास एक ऑप्शन था ये भी है ना, क्या इससे भी तो क्रॉस करते, इसको बैक क्रॉस ना कहेंगे, बैक क्रॉस माँ बाप के जैसे वाला डीएनए से क्रॉस करना, माँ वाला डीएनए इसमें तो है, पर इस माँ बाप वाला डीएनए ना इसके पास है, लगा यहाँ तक क्या बोलना चाहे, मतलब सर HW लॉ अच्छा आंसर नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया। लेकिन जब जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट में याद करो, कोई पॉपुलेशन मर जाता था ना इसमें, इतना दूर का पॉपुलेशन मर गया, इसका मतलब क्या बच्चा स्मॉल ए स्मॉल ही ना बच्चा सिर्फ, और जब स्मॉल ए स्मॉल में क्रॉस होगा तो क्या बच्चा पैदा करेगा, स्मॉल ए स्मॉल ए। अब इसके पास नया तो कुछ चूज करने के लिए है नहीं, इसके माए बाप ऐसा डीएनए चूज करेगा, अब माँ बाप जैसा डीएनए चूज करते यही ना होगा जी, ठीक है, ये ना होगा, पहले पर अजीत इससे चूज करेगा तो क्या उसके हर बार बैक ही क्रॉस ना होगा, लगा दिमाग क्या बना, ये तीसरा आंसर होगा जी, ठीक है, बैक क्रॉस कुछ नहीं, फील ये होना चाहिए कि पिछला वाले से क्रॉस करना है, ठीक है, अब पिछला जैसा माँ बाप का डीएनए वाला से है ना, या तो जीटो माँ बाप का ही डीएनए, यानी तो माँ बाप के जैसा वाला डीएनए, ठीक है, पल्ले पला जी। और इसमें HW मतलब हार्डिंग विनबर प्रिंसिपल में उसमें क्या था कि थर्ड ऑप्शन भी था ना उसके पास स्मॉल स्मॉल, तो परफेक्टली तो बैक क्रॉस हुआ नहीं है ना, बट इसमें तो एक ही ऑप्शन है उसके पास है ना, इसलिए यहाँ परफेक्टली बैक क्रॉस मानेंगे जी। याद आ रहा है बॉटल नेक इफेक्ट में पॉपुलेशन बहुत छोटा हो जाता था, अब पॉपुलेशन छोटा हो गया तो उसको ऑप्शन बहुत कम मिलेगा ना, गया इस गया तुमको सुनना क्या बोलना चाहिए, बैक क्रॉस हो गया जी, ठीक है, हम समझा दिए बैक क्रॉस, दो चीज हो चुका अभी तक बोर्ड पे, टेस्ट क्रॉस समझा दिए और एक बैक क्रॉस अब आपको हम समझा दिए जी, ठीक है, और टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस जो देख लिए, उसके बाद एक और आता है रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस का क्वेश्चन नहीं बनता है, ये तो कॉमन सेंस से भी हो जाएगा जी, ठीक है, और पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन में किसी को दिक्कत है, डाउट है, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन में डाउट है क्या, इसे तो गामा रेस चेंज किए थे ना, या डीएनए चेंज कर दिए थे ना, डीएनए काट कूट के लगा दिए थे, ये तो कभी जिंदगी से ना हो रहा है ना, ये तो डीएनए ही चेंज हो रहा है बच्चे का, इसको तो लैब में बैठ के बना रहे बच्चे को, इसमें क्या दो अलग अलग कॉम्बिनेशन मिला रहे हैं, इसमें कभी बैक क्रॉस कैसे हो सकता है, ए और बी मिलेगा तो क्या कुछ ऐसा बच्चा जन्म लेगा ना इसका, है ना जी, अब इसको क्रॉस कराओगे फिर से या तो ए से या आपको यानी कि सर या तो बी से या आपको इसी से क्रॉस कराएंगे इसी वाले से, तो कुछ अलग हो जाएगा ना, जरूरी थोड़ा कि डिट्टो वही हो, ए ही से क्यों कराएंगे, फिर तो गड़बड़ आ जाएगा ना मामला, नहीं जरा अगर आप इसको ए से करें तो फिर पॉइंट क्या हो जाएगा, वापस ऐसा आ जाएगा ना, एक ऐसा ला जाएगा, एक क्या हो जाएगा ऐसा वाला आ जाएगा, जो कि हमको नहीं ना चाहिए, हमको तो वही ना चाहिए, हाइब्रिड चाहिए ना, हाइब्रिड के लिए तुमको हर बार तो यही करना होगा ना, नहीं गया दिमाग में, इसमें तो बैक क्रॉस करना अभी गलती हो जाए ना, हाइब्रिड प्लांट में तो हाइब्रिड प्लांट हर बार बनाना है, तो उसको हम लोग पीछे से ले जाके क्रॉस कराएंगे नहीं, होमोजाइगोसिटी ना बढ़ा सकते इसमें, पर हम ये कहना चाह रहे हैं होमोजाइगोसिटी किसमें बढ़ता है, तो होमोजाइगोसिटी आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट में बढ़ता है, होमोजाइगोसिटी मतलब कि अपने पेरेंटे वाले जैसे से क्रॉस करना, पेरेंट जैसा होगा, जैसे याद कीजिए ये लॉ भी था ना, टी और टी और इसको भी टी और टी लिए थे, इसका बच्चा भी क्या बना था, टी और टी बना था, और इसको अपने ही पेरेंट्स से क्रॉस करते हैं, उसका अगला बच्चा भी वही ना बनेगा, इसी को ना बैक क्रॉस करते हैं, क्या जा रहा बस तुम क्या बोलना चाह रहे हैं, अब आइए इसके बाद है ना, एक आया रेसिप्रोकल क्रॉस है ना, रेसिप्रोकल क्रॉस है ना, इसमें कोई नया बात नहीं है, मेंडल से सब कहा कि भाई तुम लगता है कि मेल इसको मान रहा है इसलिए ऐसा बच्चा रहा है, इसको एक बार फीमेल मान के बनाओ, जैसे मेंडल से कहा था कि भाई तुम कैपिटल टी को मेल मानते हो और स्मॉल टी को फीमेल मानते हो, इस वजह से पहला जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है ना, लेकिन वही जब भी कहा नहीं मेंडल को कि भाई तुम दूसरा मान के दिखाओ, स्मॉल टी को आप मेल मानो है ना, और कैपिटल टी को मानो फीमेल है ना, तो क्या इसमें बच्चा बदल जाएगा, वही रहेगा जी, ठीक है, मतलब है ना सेक्सुअलिटी चेंज हो जाएगा, उससे जीन डीएनए पे फर्क नहीं पड़ता है, डीएनए वही रह जाएगा जो उसके एबन जनरेशन, यहाँ भी एबन जनरेशन वही है, यहाँ भी एबन जनरेशन वही है, आप कहेंगे कि सर स्मॉल टी लिखते हैं
पहले स्मॉल टी कैसे लिख सकते हैं, डोमिनेंट को पहले ना लिखते हैं, कैपिटल मैथ इंग्लिश जो पढ़ते हैं हम लोग तो कैपिटल लेटर को पहले प्रायोरिटी देते हैं ना जी, ठीक है। अच्छा कैपिटल लेटर इधर भी लिख रहोगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, ताकतवर तो कमजोर को दवा ही ना देगा। हो गया एनसीईआरटी हम पढ़ा दिए, टेस्ट क्रॉस तक समझाया हुआ एनसीईआरटी हमने, बोनस दिया आप लोगों को बैक क्रॉस और है ना आपको रेसिप्रोकल क्रॉस पे। बैक क्रॉस पे कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है सर, ध्यान रखना है ना, इजी है थ्योरी लेकिन टफ हो जाएगा जो ऑप्शन दे देगा तब। तो ऑप्शन कैसा दिया उस हिसाब से तो अपने आपको समझाना शुरू कर लीजिएगा। एक और बैक क्रॉस का ऑप्शन दिए थे ना, इससे पहले भी एक क्वेश्चन था बैक क्रॉस में जिसमें हम लोग क्या दिए थे, बैक क्रॉस का ऑप्शन था क्या क्या था उसमें है ना, इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग के आधार पर भी था बैक क्रॉस, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग के आधार पर भी हम लोग बैक क्रॉस निकाल सकते थे जी। समझ आ रहा जी, देखिए हम यहाँ तक एनसीईआरटी बुक में पढ़ा दिए हैं है ना, एक बार रात के टाइम में ना वही जो 9-10 मिनट का वीडियो बना करके डालेंगे जिसमें रीडिंग किया रहेगा, रीडिंग नहीं करेंगे हम यहाँ पे अभी है ना, रीडिंग देख लीजिएगा उस पर टाइम बचाना है हम लोग को। तो यहाँ तक हम पढ़ा दिया आपको है ना, इस पेज तक हम पढ़ा दिए जी, ठीक है यहाँ तक डील कर दिए, अपने से पढ़ के देखोगे, अगर डीपीपी बनाइएगा तो आपको पढ़ना ही पड़ जाएगा सबको है ना, डीपीपी नहीं बनेगा तब हमसे कहिए तो रीडिंग दिलवा देंगे, ठीक है ठीक 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 है ना, भेज देंगे ठीक है। तो यहाँ तक हम पढ़ा दिया आज हम आपको, अब ये पेज पढ़ने जा रहे हैं मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस जो ना, ये वाला पेज हम लोग पढ़ेंगे जी, ठीक है पहले पढ़ा जाएंगे, कोई मैसेज आ रहा है देखना तो ध्यान देना इस पे, ठीक है। तो ये पेज हम पढ़ा रहे हैं, इससे भी एक क्वेश्चन आने का संभावना रखो, इसके बाद हम लोग जब जाएंगे मेन पेज ये है जी, इससे हर साल मेडिकल में क्वेश्चन रहता है, हर साल आपको इससे पूछता ही है सर, गारंटी है कि इस साल भी आपको 2020 में भी 21 में भी आपको ये आएगा जी, ठीक है समझा ना, ये भी आपको आएगा ही आपको इस क्वेश्चन बैंक में, समझा रहा क्या होना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट क्या है सर आपको, अभी हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं, इसको भी हम बोल के समझा देते हैं, तो उसके बाद रीडिंग मार देंगे इस पे हम, ठीक है। अब देखिए मेंडल जब पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया था, मेंडल ने लॉ लिखना शुरू किया था कि भाई हम जो बात कर रहे हैं ना ये दुनिया के हर एक ऑर्गन में ला, ये उसका ईगो था बहुत बड़ा, ये बोल दिया क्या कि हम जो बोल रहे हैं तो मेरा प्रिंसिपल होगा वो, ठीक है। बाद में एचसीटी बोला नहीं आपका हाइपोथेसिस है ये, मतलब एचसीटी ने गलियाया फिर मेंडल को बोला कि आप जो बोल रहे लॉ है ये लॉ नहीं है, ये एक तरह का हाइपोथेसिस होगा है ना। लॉ जब भी लिखते ना कोई चीज में या प्रिंसिपल, इसका मतलब दुनिया में हर एक चीज पे लागू है, जैसे ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दुनिया में हर एक चीज पे लागू होगा, ठीक है। प्रिंसिपल भी कहा जाए तो चलने का तरीका यही होगा, मतलब कोई भी चीज को अप्रोच लेने का तरीका यही होगा, ठीक है। मतलब है ना लॉ या प्रिंसिपल दिया था मेंडल ने, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ के जाइएगा है ना, प्रिंसिपल है ना सही है स्पेलिंग सीआई, तो देखिएगा। तो हम बता रहे थे कि आपको इसमें है ना कि मेंडल ने आपको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था इनहेरिटेंस, और इस लॉ के अकॉर्डिंग आपको उसने क्या दिया था, दो लॉ लिखा था जी है ना। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में मेंडल का दो लॉ था, एक ऐसे याद करोगे तुम लोग, ये फर्स्ट लॉ मेंडल का फर्स्ट लॉ, और एक है सेकंड लॉ, जैसे आप न्यूटन का सेकंड लॉ बोलते हैं फिर उसके बाद बोलते हैं कि सेकंड लॉ है ना आपको है ना आपको क्या कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए था या क्या जो भी हो है ना कंटिन्यूअस बॉडी के लिए था जी, ठीक है। उसी तरह से मेंडल ने दो लॉ दिया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग है ना, एक था आपको फर्स्ट लॉ है ना और एक था सेकंड लॉ, और लॉ लिखने का जनरलाइज कर दिया, जनरलाइज मतलब क्या, एक मोटा बात बोल दिया कि सब पे लागू हुआ, जब भी सब का इस्तेमाल होता ना जनरलाइजेशन, जिसका मतलब जैसे नहीं कभी तुम लोग फिजिक्स में निकालते फॉर्मूला सर बोल देते जनरलाइज फॉर्मूला है, मतलब ये फॉर्मूला है इसके हर तरह का न्यूमेरिकल बनेगा है ना। उसने क्या किया था, उसने टू आपको जनरलाइजेशन दिया था है ना, टू जनरलाइजेशन दिया था, एक था जनरलाइजेशन क्या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, पहला आपको जनरलाइजेशन था आपको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था है ना, और दूसरा था आपको लॉ ऑफ आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब मेंडल ने दो जनरलाइजेशन दिया था, जनरलाइजेशन नियम कानून बना के दिया था, एक नियम कानून का नाम दिया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में भी फर्स्ट लॉ है और एक है सेकेंड लॉ। अब आप देख ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम है आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, अब यही पूछा है मेडिकल में क्वेश्चन सब कि लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी मेंडल का फर्स्ट लॉ कौन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस उसका पहला लॉ है जी, ठीक है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो देखते हैं है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसका ये दूसरा लॉ है जी, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दूसरा लॉ है जी, ठीक है। और सेकेंड जनरलाइजेशन देखो, ये फर्स्ट जनरलाइजेशन ये था, मेंडल ने दो जनरलाइजेशन दिया था, दो आपको शब्द बोले थे, दो दो तरीके का बात बोला था, एक बोला था आपको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के लिए मम्मी पापा से जो चीज मिलता है वो, और एक बोला था आपको लॉ ऑफ है ना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट, आप थर्ड लॉ के नाम से भी जानते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ना, इंडिपेंडेंट जो आगे हम लोग पढ़ेंगे जब डायहाइब्रिड पढ़ना रहेगा तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है इसको हम लोग फ्यूचर में देखेंगे जी, ठीक है। पर अभी आप देख रहे हो इधर की तरफ और इधर की तरफ, देखो दुनिया में ये लॉ इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है निकला अभी तक है ना, ये लॉ
है ना, ऑल जगह पे वैलिड है, हर जगह पे ये वैलिड है जी, ठीक है। कहाँ फंस गया, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस फंसा हुआ है, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट फंसा, इसका भी एक्सेप्शन निकलेगा, जब एक्सेप्शन निकलेगा तो लॉ कहाँ से सर, है ना। हमने बोले थे थोड़ी देर पहले, जब लॉ बोल दिया तो दुनिया में हर चीज पे लागू होगा, लेकिन ये इसका एक्सेप्शन निकलता है लिंकेज के फॉर्म में, इसका एक्सेप्शन तीन गो एक्सेप्शन है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद वही सब आएगा जी, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो भी हो सर, इसमें तीन स्टेटमेंट था, है ना, तीन स्टेटमेंट आप रख लीजिएगा, यहाँ पे फुल एनसीईआरटी पढ़ना आप लोगों को, एनसीईआरटी बुक में जो तीन स्टेटमेंट दिया है कि एवरी कैरेक्टर कंट्रोल बाय सच वन ग्राम्स ऑफ फैक्टर, फैक्टर बोलिएगा, जीन मत बोल दीजिएगा, मेंडल ने फैक्टर बोला था, इसलिए आप लोग को पहला स्टेटमेंट लॉ का क्या है कि ईच कैरेक्टर कंट्रोल बाय डिस्टिंक्ट, है ना, ईच कैरेक्टर, हम डिट्टो याद कीजिएगा जो बोला, हम लिख देंगे तो कहीं गलत हो जाए, लेकिन एनसीईआरटी जो लिखा वही याद कीजिएगा, ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट, इज कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट, है ना, डिस्क्रीट यूनिट, है ना, डिस्क्रीट यूनिट, है ना, कॉल्ड फैक्टर, देखो पहला लाइन होगा, देखो इसमें, है ना, इसमें एक पेज पलटो ना, इधर की ओर, इधर इधर इधर, है ना, वही देखो एक पेज में, है ना, वही लिखा हुआ है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस का स्टेटमेंट है ना, है ना, ये वाला, है ना, डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, इसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉल्ड फैक्टर, इसको हम लोग नाम देंगे फैक्टर। हम बोले थे कि कभी भी फैक्टर अकेले नहीं रहता है, फैक्टर हमेशा पेयर में रहता है जी, ठीक है, फैक्टर ऑलवेज इन पेयर, है ना, फैक्टर क्या रहता है सर आपको, फैक्टर ऑलवेज इन, है ना, ऑलवेज इन पेयर, है ना, ये हमेशा क्या रहता है सर आपको, पेयर में रहता है जी, फैक्टर कभी भी अकेले नहीं रहता सर, हमेशा पेयर में रहता है जी, ठीक है। और लास्ट वन क्या है सर, अगर आप डिसिमिलर फैक्टर लेते हैं, डिसिमिलर फैक्टर मतलब क्या, कैपिटल टी या स्मॉल टी लेती हो, एक फैक्टर डोमिनेंट होगा, दूसरा क्या होगा, रिसेसिव, मैंने बोला था कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता फैक्टर, है ना, दोनों फैक्टर एक साथ दिखाए जरूरी नहीं है, इसमें एक ही फैक्टर ताकतवर होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा, कमजोर होगा जी। तीसरा लाइन हम बोलते हैं, है ना, तीसरा लाइन क्या कर रहा है कि इफ, है ना, डिसिमिलर फैक्टर रहेगा, इफ डिसिमिलर फैक्टर रहेगा, डिसिमिलर फैक्टर, है ना, फैक्टर देन क्या होगा सर आपको, देन आपको, है ना, आपको वन फैक्टर इज डोमिनेंट, वन फैक्टर क्या होगा सर आपको, इज डोमिनेंट होगा, है ना, डोमिनेंट इज डोमिनेंट, एंड अदर इज क्या होगा, एंड अदर इज रिसेसिव, दूसरा क्या होगा सर आपको, रिसेसिव होगा जी, ठीक है। इस घटना को क्या नाम देते हैं हम लोग, है ना, आपको इस घटना को हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से, लॉ ऑफ डोमिनेंस में तीन बात था जी, तीनों बात आपको एकदम रटा होना चाहिए, देखो एकदम बच्चा लोग क्वेश्चन पूछेगा, करेक्ट इनकरेक्ट आपका पूछ देगा, है ना, ये चार ऑप्शन दे देगा करेक्ट क्या है, तीन ऑप्शन यही डिट्टो रहेगा जी, ठीक है, तो तीनों सही हुआ ना, और चौथा ऑप्शन अलग रहा, मतलब कह देगा लॉ ऑफ डोमिनेंस की नजर से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन गलत है, तो तीन ऑप्शन तो सही है, चौथा ऑप्शन जान के देगा कि एवरी कैरेक्टर कंट्रोल बाय जीन, जीन लिख देगा, फिर बच्चा कंफ्यूज रहेगा हम किसको टिक मारे, किसको टिक मारे, वो मार देगा आपको, जीन को वैल्यू दे देगा कि सर बार बार जीने बोलते थे, अब फैक्टर को वैल्यू नहीं देगा, ठीक है, समझ में आ रहा जी, क्वेश्चन कैसा है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा जी, करेक्ट इनकरेक्ट टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, डीपीपी देंगे तो उसमें समझा ही देंगे इसमें कैसा टाइप होगा, टाइमर आया जी तो आपको, है ना, जा रहा ना आवाज सबको, हेलो, हाँ हाँ सर आ रहा है, ठीक आ रहा है, ठीक ठीक ठीक, तो हम बता रहे थे कि आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस जो देख रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, ठीक है, ये ईच कैरेक्टर कंट्रोल बाय डिस्टिंक्ट यूनिट कॉल फैक्टर बोलोगी, ठीक है, ध्यान रखना जीन नहीं बोलना है यहाँ पे, अब फैक्टर हमेशा पेयर में रहता है, ये भी बात बोलना, जीन पेयर में नहीं रहता है, फैक्टर बाद में हम जीन के साथ पैरेलल कर देंगे सबको, है ना, और एक डिसिमिलर फैक्टर रहेगा, जब दो अलग अलग फैक्टर रहेगा एक ही जीन का, तब हम उसमें क्या कहेंगे सर आपको, वन फैक्टर इज डोमिनेंट होगा, दूसरा क्या होगा, रिसेसिव होगा, फिर उसका एनसीईआरटी नंबर आ दिया है, या एफ टू तक ले जाएगा तो 3:1 का फेनोमेना देखने को मिलेगा, ठीक है, और एफ वन तक रहेगा तो एक डोमिनेंट रहेगा, रिसेसिव रहेगा, और उसको एफ टू तक ले, सेल्फिंग कराने के बाद एफ टू तक ले जाऊंगी तो 3:1 का रेसिस में दिखाई देगा, ये बहुत ईजी था जी, ठीक है। अब आइए, है ना, लॉ ऑफ, है ना, सीरीगेशन, लॉ ऑफ सीरीगेशन भी बच्चा वाला चीज है, कहता है कि जब गैमिट बनाने का वक्त आता है तो सारे फैक्टर क्या होता है, एक दूसरे को छोड़ करके अलग हो जाता है जी, ठीक है। लॉ ऑफ सीरीगेशन में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन, है ना जी, एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन, ठीक है, उसमें क्या देखते हैं हम लोग, ठीक है, एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन, है ना, फैक्टर क्या होता है सर आपको, सेपरेट कर जाता है, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी वाला बंदा है, वे दोनों क्या हो जाएगा, कैपिटल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, आपको लॉ ऑफ सीरीगेशन कहते हैं। यहाँ पे भी ध्यान है, इक्वल प्रोपोर्शन में अलग होगा, इक्वल प्रोपोर्शन करने मतलब क्या, अगर कोई लड़का कहता है सर कैपिटल टी स्मॉल टी है, ऐसे अलग हो जाए तो ऐसे करके, मतलब एक कैपिटल टी इधर आधा लिया और स्मॉल टी आधा हो जाए, और फिर इधर यहाँ पे क्या ऐसे हो जाए और यहाँ ऐसे दिखाई दे, क्या इसको मानेंगे, नहीं ये गलत हो जाएगा, इक्वल प्रोपोर्शन में क्या, कैपिटल टी पूरा अलग हो जाएगा, स्मॉल टी क्या होगा सर आपको, अलग हो जाएगा जी, दिमाग लग रहा है क्या होना चाहिए, गैमिट बनने की बात आएगी तो सर कैपिटल टी एक तरफ चला जाएगा और स्मॉल टी क्या हो जाएगा, दूसरे तरफ चला जाएगा जी, ठीक है, इधर चला जाए, नहीं फील हो रहा है तो सर देखिए, इसको क्रोमोजोम ना माने थे, कैपिटल टी एक प्रकार का क्रोमोजोम है और स्मॉल टी भी क्या था, एक तरह का क्रोमोजोम है ना भाई, जब गैमिट बनने की बारी आएगी तो ये क्रोमोजोम इधर हो जाएगा और ये क्रोमोजोम क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा जी, कभी एक दूसरे में क्या होगा, मिक्स नहीं करेगा,
लग रहा दिमाग चलना चाहिए, मतलब इसका हिस्सा ये लेके नहीं आएगा ना ये उसका हिस्सा लेके जाए, ये कौन बोल रहा था, मेंडल बोल रहा था जी, ठीक है। ये कब लागू हो रहा है, ये जब मोनोहाइब्रिड का केस हो रहा है तब, डायहाइब्रिड में थोड़ा सा चेंज हो, अदला बदली करता है, हम भी जान रहे कि तुम यही बोल रहे हो तो आप बताए तो मियोसिस में थोड़ा बहुत क्रोमोसोम बदला बदली करता है, तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब पढ़ेंगे तब बात होगा ये, है ना। अभी क्या बात होगा, अभी ये बात होगा कि जब गैमिट बनाने की बारी आती है हर एक फैक्टर एक दूसरे को छोड़ के अलग होता है, कभी एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को लेकर अलग नहीं होता है, ठीक है, मोनोहाइब्रिड के केस में सर। सर हो गया, कितना बार होगा, ठीक है, बस इतना के बाद है ना आपसे कोई पूछेगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों पढ़ाया जाता है या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्या एप्लीकेशन है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये साबित करता है कि डीएनए कभी गायब नहीं हो सकते हैं, डीएनए आज ना कल एक्सप्रेस करवे कर जाएगा। जैसे तुम लोग पढ़ी थे ना था दिन पहले कि कैपिटल टी लिखे थे, है ना, स्मॉल टी और स्मॉल टी लिखे थे। अब पहला जनरेशन क्या बना था, कैपिटल टी स्मॉल टी बना था, ये बंदा कैसा दिख रहा था, टॉल दिख रहा था, सब लोग को ख्याल आ रहा था लगता है स्मॉल टी गायब हो गया या स्मॉल टी क्या होगा अपने आप को छोड़ के चला गया या अपने आप को बदल दिया होगा। लेकिन जब अगला स्टेप जब ले जाते थे, जब इसको भी सेल्फिंग करवाते थे, इधर से आपको कैपिटल टी स्मॉल टी लेकर के इधर भी सेल्फिंग कराते थे, तो एक प्रोबेबिलिटी क्या बनता था स्मॉल टी का, जो साबित करता है कि डीएनए गायब नहीं हो सकते हैं, डीएनए दब गए थे, ठीक है, वो एक्सप्रेस करने का टाइम उसको मिला कब, जब मतलब तभी ना हो पाया जब सेग्रीगेशन हुआ था, मतलब दोनों साथ रहता चिपका रहता, तो कभी जिंदगी में उसको मौका मिलता बढ़ाने का, ना ना जी अलग हो गया था ना मौका मिला कि आपको एक बार आप मौका मिल रहा था बढ़ाने का। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से ये भी साबित हो जाता है जिन कभी भी ब्लेंड नहीं कर सकते, ब्लेंड माने गायब नहीं हो सकते हैं, जैसे तुम मिक्सर में कुछ घुमाते हो पूरा खत्म हो जाता है उसी के अंदर मिल गया पूरा खत्म, लेकिन यहाँ पे क्या सर आपको कोई भी खत्म नहीं होगा, अपना एक ना एक समय ऐसा आएगा जिस टाइम वो एक्सप्रेस करेगा। ये दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था नाइन्थ क्लास का बच्चा भी मतलब टेंथ का भी जब आपको जेनेटिक्स उसको भी इसको समझ जाइएगा, पर मुद्दा ये उठता है कि सर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से हमको क्या क्या फील होना चाहिए, हम लोग ये फील होना चाहिए कि सर डीएनए कभी गायब नहीं हो सकते हैं, डीएनए दब जाते हैं कभी ना कभी बाहर आने का मौका मिले तो बाहर आ जाएगा, समझा राजन कहना चाहता है, ये बात भी इसमें था जी, ठीक है, पढ़ देते हैं, जिसको दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं हमसे अभी। अब देखिए कोई बंदा ऐसा होगा कैपिटल टी होगा, इसका सारा गैमिट एक के जैसा होगा ना, ऑल गैमिट क्या होगा सर एक जैसे होंगे, पर जब हिटलर रहेगा सुबह बंदा तो सर प्रोपोर्शन हम ही नहीं बोल रहे हैं कि सर आप 100 ml हुआ तो 50 ml ये 50 ml, हम ये बोलना चाह रहे हैं इससे 50% ये होगा 50 होना और क्या आएगा। हाँ बस बैठी रहो तो देखिए है ना, अगर हमको ऐसा हेटेरोजाइगस बंदा रहेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो जाएगा सर, आपको इक्वली सेपरेट करेगा, यहाँ पे इक्वली सेपरेट करने मतलब क्या, ये आपको कंसंट्रेशन नहीं बताया कि 100 ml होगा तो 100 ml में 50 ml ये होगा 50 ml होगा, ये नहीं कर रहे हैं हम, ये कह रहे हैं कि सर अगर दो ही तरह के गैमिट बनने की संभावना होगी, मतलब एक कैपिटल टी होगा एक क्या होगा स्मॉल टी होगा, तीसरा तरह का गैमिट नहीं बने। सर लैंग्वेज में ध्यान दिए, मान लीजिए कोई बंदा है इसने आपको गैमिट बनाया 100 ml गैमिट बनाया मान लेते हैं सर, देखिए तो कोई लड़की ये नहीं करना 50 ml होगा 50 ml होगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि दोनों इक्वली सेपरेट कर जाएगा, मतलब जो गैमिट आप देखोगे दो ही विकल्प मिलेगा, या तो एक कैपिटल टी वाला गैमिट मिलेगा या तो स्मॉल टी वाला मिलेगा, ज्यादा जो मिले उससे कोई डिपेंड नहीं, उससे मतलब नहीं है क्या, ज्यादा असल में क्लियर होगा जी, कभी मिक्स नहीं होगा गैमिट का, क्लियर होगा, आप पढ़ देते हैं जो दिक्कत होगा आप बात कर लीजिएगा, है ना। ये पेज हम पढ़ रहे हैं जी, बहुत VBI है, इससे एक क्वेश्चन की तैयारी करिए कहीं आ जाए तो, है ना, मे भी है, बाकी सब हम कभी पढ़ करके आपको लाल देंगे 5-6 मिनट का वीडियो वाला में, है ना, पर ये आइए है ना, ये पेज हम पढ़ रहे हैं, इस पेज को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, रिसर्च करके जाइएगा, सब मायने रखता है ना। यहाँ से कर रहे हैं बेस अपॉन हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, देखिए जो भी बात होगा अभी यहाँ पे उस मोनोहाइब्रिड को ध्यान में रखते हुए होगा, है ना, प्रपोज द 2 general rule, है ना, उसने 2 general rule दिया था, एक दिया था इनहेरिटेंस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसको आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं, इसमें से पहला लॉ है ना, इसमें और का मतलब एक ही होगा जी, ठीक है, और का मतलब यहाँ पे क्या होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस होगा, फर्स्ट लॉ यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब मेंडल ने सबसे पहले कौन सा लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का सेकंड लॉ था जी, समझा रहे हैं क्या होना चाहे, नेक्स्ट करा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ना इज द कैरेक्टर है ना कंट्रोल बाय द डिस्क्रीट यूनिट, है ना, अगर आपसे कोई पूछेगा इसका स्टेटमेंट, इसका 3 statements था, पहला स्टेटमेंट था कैरेक्टर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल है ना फैक्टर, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं फैक्टर का, यहाँ एस लगा हुआ कैरेक्टर में, इसलिए फैक्टर्स लगा हुआ है आपको एस में, इसमें भी है ना, अब फैक्टर्स हमेशा पेयर में रहेगा, हम बोले भी थे कि फैक्टर अकेले नहीं रह सकता, हमेशा उसके बगल में भी एक रहना चाहिए तब ना वो डिप्लॉयड होगा। उसके बाद इन लिखा आपको डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, जब डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर की बात चलेगा तो वन ऑफ द मेंबर है ना उसमें से एक मेंबर क्या होगा डोमिनेंट होगा, दूसरा क्या होगा रिसेसिव होगा, लेकिन ये बात ब्लड ग्रुप वाला धोखा दे देगा ना, ये भी ब्लड ग्रुप वाला क्या था दोनों डोमिनेंट था ना, मतलब मेंडल का लॉ 100% सही नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी निकाल सकता है कोई लड़का, है ना, फैक्टर पेयर में भी नहीं हो सकता, जरूरी नहीं कि पेयर में पॉपुलेशन लेके चले तो 3-3 हो सकता है फैक्टर का, याद आ रहा जी मल्टीपल अलील, याद आ रहा जी मल्टीपल, एक फैक्टर के 3-3 विकल्प हो सकते थे ना, देखेंगे बाद में ऐसा एक्सेप्शन भी। आइए उसके बाद एक लाइन पढ़ देते इसका भी, लॉ ऑफ डोमिनेंस यूज टू एक्सप्लेन एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ पैरेंटल कैरेक्टर, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में ही आपको बताया जा सकता है F1 जनरेशन में,
लेकिन वही चीज को एफ टू जनरेशन में ले जाओगी तो 3:1 में आप तुम उसको समझा सकते हैं, मतलब डोमिनेंस का फीचर। आइए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, शुरुआत का ही लाइन इंपॉर्टेंट सब है ना, दिस लॉ बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट अलील डू नॉट एनी ब्लेंडिंग, यही पे हाईलाइटर चलाएगा, अलील कभी भी गायब नहीं होते है ना, बोथ कैरेक्टर रिकवर हो सकते हैं है ना इन एफ टू जनरेशन में है ना, एफ टू जनरेशन में आने के दौरान सारे कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, बाहर आ सकते हैं जी, ठीक है। अब इसी को सिलका छड़ा के समझाया है कि आपको वन ऑफ द बीच नॉट सीन इन एफ वन जनरेशन, जो एफ वन जनरेशन में नहीं दिख रहा था वो एफ टू जनरेशन में जाके दिख गया सर है ना, थ्रू द लिखा पेरेंट है ना, पेरेंट आपको लिखा कंटेन टू अलील, अगर मान लेते कोई पेरेंट है जिसके पास दो अलील है ना, गैमिट का फॉर्मेशन का फैक्टर वन अलील है ना, फिर सीग्रीगेट फ्रॉम द ईच अदर, मतलब यहाँ से पेरेंट कंटेन टू अलील, अगर पेरेंट को जब देखते हैं हम लोग दो अलील है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन फैक्टर या अलील है ना, पेयर ऑफ सीग्रीगेशन फ्रॉम ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएगा एट द टाइम ऑफ गैमिट बनाने के दौरान है ना, और रिसीव करेगा ओनली वन फैक्टर, दो फैक्टर में से सिर्फ क्या होगा एक ही फैक्टर वो रिसीव करेगा, और अदरवाइज कहा जाए और होमोजाइगस पे बंदा है, होमोजाइगस बंदा हुआ उसमें क्या होगा सर, दोनों एक ही तरह का गैमिट होगा जी, ठीक है। लेकिन हिटरोजाइगस बंदा होगा तो सर आपको नहीं कि दोनों का आधा होगा, नहीं कि दो अलग अलग तरह का इक्वल प्रोपोर्शन में बनाएगा सर, एक कैपिटल टी होगा एक क्या होगा स्मॉल टी होगा जी, ठीक है, इक्वल कंसेंट्रेशन नहीं प्रोपोर्शन, मतलब दोनों एक क्या तो कैपिटल टी होगा या नहीं तो स्मॉल टी होगा जी, लग रहा दिमाग क्या चाहे, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, इसका एक और नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमिट, इससे पकड़ लोगे कोई लड़का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम क्या है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमिट के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम क्या है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमिट है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम, सेग्रीगेशन का दूसरा नाम लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमिट है ना, इसका हम लोग क्या नाम देंगे लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमिट के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी, प्यूरिटी ऑफ गैमिट के नाम से भी हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमिट के नाम से भी हम लोग बुलाते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक और नाम से क्या बुलाएंगे लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमिट के नाम से भी बुलाएंगे जी, ठीक है, ध्यान रख रहा है ये सब भी पूछता है ना, गैमिट के ना प्योर फॉर्म में ही अलग होता है जी, ठीक है, ये बात हो गया जी, ठीक है, हम लोग आगे बढ़े इससे है ना, अब मेंडल को गलियाना है हम लोग को, अब मेंडल का एक्सेप्शन सब ढूंढना है जी, ठीक है, मेंडल जितना काम किया था मोनोहाइब्रिड पे अब उसको डिमेरिट निकालना है, उसका डिमेरिट निकालते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग है ना जी, मेंडल बहुत कुछ है ना छुपा लिया था दुनिया से है ना, मेंडल को जो एक्सपेरिमेंट करता था जो से उल्टा फुल्टा लगता उसको गायब कर देता था रातों रात गायब, कोई पता नहीं चला कहाँ गया है ना जी, समझा रहे थे हम कहना चाहते, ठीक है, मतलब मेंडल देखो 7 साल एक्सपेरिमेंट किया, मेंडल के पास एडवांटेज है ना, हम 7 साल एक्सपेरिमेंट किया फिर दोबारा नहीं करेंगे है ना, और 7 साल के दौरान कुछ ना कुछ गड़बड़ होता होगा ना जी, ठीक है, कभी कभी बारिश से नहीं हुआ होगा तो प्रोडक्टिविटी घट गया होगा ना प्लांट का है ना, उससे कुछ डाटा अलग आ गया होगा ना, इवोल्यूशन का उसके पास कोई नॉलेज था नहीं है ना, गायब कर देता था है ना, एक्सपेरिमेंट खत्म है ना, फिर से नया चीज है ना, मतलब मेंडल जैसे चाहे वैसे ना, जैसे मान लीजिए आपको कहते किताब लिखने के लिए और आपको हीरो बनना है उस किताब में है ना, हर जगह अपना बात जैसे तैसे लेकर दीजिए ना, उस टाइम में तो आपके पास पंखों आ जाएगा उड़ने के लिए है ना जी, मरिए नहीं किया, कितना साफ करते देखो साउथ में देखते हैं ना, कितना मरता हीरो मर भी नहीं करता रहता है, ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से फिल्म चलाना है ना जी, ठीक है, यही बात मेंडल भी था ना, 7 साल उसने एक्सपेरिमेंट किया ना, वो अपने हिसाब से डाटा को रखा ताकि लोग सब उसका एक्सेप्शन निकाल सके, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने मेंडल के ही पौधे पे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और उससे भी बहुत सारा एक्सेप्शन निकाल दिया, मतलब मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट करके मटर के पौधे में ही बहुत सारा एक्सेप्शन ढूंढ लिया, और जो मेंडल का फॉलोअर होगा नहीं कहेगा ना कि नहीं मेंडल ये सब देखा होगा उस टाइम माइक्रोस्कोप नहीं होगा छोड़ दिया होगा भूल गया होगा, ठीक है, याद नहीं रहा होगा कहीं चला गया होगा कागज है ना, ऐसे बोल बोल करके मेंडल को बचा लिया ना, तब ना अभी मेंडल को अभी सब भगवान माने हुआ है, मतलब फादर माने हुआ जी, समझा रहे क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब मेंडल ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट में गलतियां भी की होगी, ठीक है, उस सारी गलतियों को उसने छुपा दिया होगा जी, ठीक है, ये छुपा हुआ गलती को ही हम लोग आप उजागर कर रहे हैं, समझा रहे क्या, चलिए नया टॉपिक आ गया, इसका नाम क्या जीन इंट्रैक्शन है ना, पर आगे छोड़ दे, अगला बैच हो गया जी, फिर से देखो एक बार कट करके फिर से ज्वाइन करो, तो एक बार कट करके ज्वाइन कीजिएगा, तो मेंडल का विवाद ढूंढ रहे हैं, मतलब मेंडल का आपको जा तुम्हें तो बोला पढ़ाइए पढ़ा रहे हैं जा है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे इसके बाद हाँ नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, एनर्जी कम नहीं होगा, नहीं ग्लूकोन भी चलिए, शहद पियो, शहद पानी सर, हॉर्लिक्स पी के आए, हॉर्लिक्स पी के वो मेरे हॉर्लिक्स शहद पानी इंटरेक्शन है ना, जीन इंटरेक्शन देखेंगे हम लोग, जीन इंटरेक्शन जो होता है ना, एक मिनट पर हम लोग ना जीन इंटरेक्शन जब देखेंगे हम लोग, ठीक है, इसमें दो तरह का जीन इंटरेक्शन होता है, एक होता है इंट्राजेनिक होता है ना, एक होता है इंट्राजेनिक, ये आप मेंडल को गलिया रहे हैं हम लोग है ना जी, आप मेंडल की बात नहीं हो रही है, आप मेंडल को अपोजिट कर रहे हैं हम लोग, मेंडल को तंग करेंगे हम लोग, ठीक है,
एक होगा सर आपको इंट्राजेनिक होगा, एक होगा इंट्राजेनिक है ना, या इसी को एलिलिक कहते हैं, ठीक है, एलिलिक इंट्रैक्शन, एलिलिक इंट्रैक्शन है ना। और एक होगा सर आपको इंटरजेनिक होगा, इंटरजेनिक, इंटरजेनिक होगा, और नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन भी इसको पढ़ते हैं, नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन भी इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर में तीन एग्जाम्पल है ना, एक है सर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक है आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऐसे लिख लोगे तो काम आएगा, नोट्स में से लिखिएगा, नोट्स में मिला गया मिलेगा नहीं, इसे ऐसे एनसीईआरटी में लिख दीजिए कहीं पे, है ना, इनकम्प्लीट है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना, और नोट्स में सब लिखा होगा। एक होगा सर इसी में आपको दूसरा एग्जाम्पल होगा को डोमिनेंस, को डोमिनेंस है ना, जिसको नोट चाहिए, नोट लगी रे, हाँ तुम्हें को बोल रहे को डोमिनेंस है ना जी, दो हाँ इस चैप्टर का है ना, हाँ ठीक, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कर देते हैं, चैप्टर खत्म हो जाते हैं, को डोमिनेंस है ना, उसके बाद है ना, को डोमिनेंस के बाद आएगा एक मल्टीपल अलील आएगा है ना, मल्टीपल, मल्टीपल अलील आएगा है ना, ये आपको तीनों किसका एग्जांपल है, इंट्राजेनिक का। अब इंट्राजेनिक का नाम इंट्राजेनिक क्यों है, खाद रुको मिलेगा जवाब, इसमें आएगा बहुत सारा नाम सब, एपिस्टियासिस, हालांकि अब ये सब नहीं पूछता है, एपिस्टियासिस है ना, इसमें बहुत सारा टाइप होता है, डोमिनेंट एपिस्टियासिस, रिसेसिव एपिस्टियासिस, डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टियासिस होता है जी, ठीक है, एपिस्टियासिस होगा। उसके बाद दूसरा होता है सर आपको कॉम्प्लीमेंट्री जीन है ना, एक होगा सर कॉम्प्लीमेंट्री जीन है ना, कॉम्प्लीमेंट्री जीन होगा, एक होगा सप्लीमेंट्री जीन है ना, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री जीन होगा, सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। उसके बाद इसी में एक आता है लीथल जीन भी आता है, ठीक है, लीथल, लीथल जीन भी आता है, लीथल जीन इसी के अंदर में एक एग्जाम्पल में आता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट, डुप्लीकेट जीन भी होता है इसके अंदर में है ना, डुप्लीकेट जीन, डुप्लीकेट जीन भी इसमें देखने को मिलेगा जी, ठीक है। ये सब चीजें हैं आपको इंटर में पढ़ना है। देखिए अगर आसपास का ही डीएनए हो है ना, और आसपास का डीएनए जो देखते हैं हम लोग, आसपास का डीएनए है ना एक दूसरे से इंटरेक्ट करता हो, लेकिन जो करेक्टर दिखाना चाहिए उससे बिल्कुल अलग करेक्टर दिखाता हो, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटरजेनिक कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर है ना, एक ऐसे कोई क्रोमोजोम बना रहे सर, इस पे कैपिटल टी है, इस पे स्मॉल टी है, ये दोनों को मिलकर टॉल दिखाना था है ना, लेकिन टॉल के अलावा कुछ और दिखा दिया, अदर देन है ना, अदर देन टॉल है ना जी, अदर देन टॉल हो जाए, ठीक है, मतलब टॉल छोड़ के बाकी कुछ भी करेक्टर दिखा रहा हो, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंट्रा कर, इंट्रा मतलब अपने में होता है, या एलिलिक मतलब एक ही जैसे जीन थे सर, फिर भी सर अपना एक मिल के काम नहीं कर पाया, मतलब भाई भाई था लेकिन दोनों मिलकर घर को नहीं चला पाया, ठीक है, मतलब कुछ और पैटर्न में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या थर्ड पार्टी आके डिस्टर्ब कर देता है, थर्ड पार्टी मतलब क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये दोनों चाह रहा था अपने तरीके से जिंदगी जिए, लेकिन थर्ड पार्टी जो कैपिटल आर स्मॉल आर था है ना, कैपिटल आर स्मॉल ये आर इसको डिस्टर्ब कर दिया जी, क्या दिमाग लगा जब क्या चाहे, मतलब दूसरा जीन जब इसको डिस्टर्ब कर देता है, इससे कोई करेक्टर में चेंज आता है, इस घटना को क्या नाम देता है, इंटरजेनिक कहते हैं। देखो कभी तुक्का लगाना हो ना, आप तुक्का में आपका एपिस्टेसिस पे ही तुक्का लगाइएगा, ज्यादातर केस में आपको एपिस्टेसिस पे ही आपको ऑप्शन मिलेगा जी, ठीक है। जैसे आपको स्क्वाश कलर, स्क्वाश एक तरह का फल का नाम है जी, ठीक है, स्क्वाश का फल जो है ना अलग तरह का दिखता है, क्यों, क्योंकि उसमें एपिस्टेसिस का फिनोमेना दिखाई देता है, स्क्वाश कलर है जी, स्क्वाश, क्यूएएसएच होगा, स्क्वाश फ्रूट है ना, है ना, ये एक ऐसा फल है जिसमें एपिस्टेसिस का फिनोमेना देखने को मिलता है जी, ठीक है। उसी तरह से लीथल जीन में, लीथल जीन भले इधर देख रहे लेकिन होगा इधर पढ़ लेंगे हम लोग इसको, लीथल जीन को हम इधर पढ़ा देंगे आपको। पॉइंट क्या है, आपको तीन तरह का इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब इंट्राजेनिक का तीन एग्जांपल है, एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक है कोडोमिनेंस, एक है मल्टीपल एलील। देखिए हम लोग कुछ कुछ पता है लेकिन हम एक बार है ना तीनों को एक साइड में लेके चल के बता रहे हैं, ठीक है। देखिए अभी इंटरजेनिक में है ना, जब डाई हाइब्रिड पढ़ा देंगे तब चर्चा करेंगे, इधर वाला टॉपिक सिलेबस पढ़ा देंगे होल्ड पे रहेगा, जब डाई हाइब्रिड को अच्छे से समझ लेंगे, अभी हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जब एनसीईआरटी में ये सब खत्म हो जाएगा ना, इधर वाला इधर मिटाए हैं, तब उसके बाद डाई हाइब्रिड शुरू होता है, तब इसलिए हम डाई हाइब्रिड उसके बाद पढ़ाएंगे जी, ठीक है। फुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चल रहा है, आज का जब क्लास हो जाए तो डीपीपी मिल सकता है उस पर, लेकिन आज की क्लास में एक चीज मिस हो जाएगा, डोमिनेंट और रिसेसिव का क्या रिलेशनशिप है, मतलब हम आपको ये सब कोशिश कर रहे हैं पढ़ा देने का आज, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डोमिनेंट, डोमिनेंट क्यों होता है, रिसेसिव, रिसेसिव क्यों होता है, मतलब ये पैराग्राफ हो जाएगा जी, ठीक है। इतना सा पैराग्राफ है, थोड़ा सा यहाँ पर है, डोमिनेंट का नाम डोमिनेंट ही क्यों पड़ा, रिसेसिव का नाम रिसेसिव क्यों पड़ा, इसका एक्सप्लेनेशन कल की क्लास में दिया जाएगा, पर अभी हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और एक मल्टीपल एलील की बात करेंगे, ठीक है। मल्टीपल एलील किसे कहते हैं, इस सब का बात करेंगे आज की क्लास में जी, ठीक है। देखिए अभी हम बोले भी थे आपको इंटरजेनिक को तीन हिस्सा में बांट दीजिए है ना, इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, तीन हिस्सा को देखना, क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग है ना। इसमें आपको एक हिस्सा क्या नाम है, आपको एक का नाम है सर आपको है ना, एक का नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस,
एक का नाम है इनकम्प्लीट, है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। एक का नाम क्या सर आपको, है ना, को डोमिनेंस। एक का नाम क्या, को डोमिनेंस। और एक का नाम क्या सर आपको, मल्टीपल अलील, है ना, मल्टीपल मल्टीपल अलील पढ़ेंगे जी हम लोग, ठीक है। ये तीनों का तीनों जो है ना सर डायरेक्टली किसको बर्बाद कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, ऑल ऑफ देम, है ना, ऑल ऑफ देम रिफ्लेक्ट, है ना, ऑल ऑफ देम रिफ्लेक्ट, है ना, ऑल ऑफ देम रिफ्लेक्ट, है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस या फर्स्ट लॉ, है ना। ये किसको चेंज कर रहा है सर, या बर्बाद कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, फर्स्ट लॉ को रिफ्लेक्ट कर रहा है जी, पहला लॉ को ये खराब कर रहा है जी, ठीक है। तीनों का तीनों, है ना, समझा रहा क्या होना चाहिए। अब उसके बाद तीनों में थोड़ा सा अंतर भी है सर, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट भी है, देखेंगे हम लोग इस डिफरेंस को भी हम लोग, है ना। पहले हम लोग एक बार याद करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस को, याद करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अभी हम थोड़ा देर पहले भी आप लोगों को समझाए थे लॉ ऑफ डोमिनेंस किसे कहते हैं, जिसमें सर क्या होता है, जब पेरेंट, है ना, ऑफस्प्रिंग जब मिलता हो, ठीक है जी, मान ले कोई पेरेंट ऑफस्प्रिंग कंबाइन किया, है ना जी, जैसे ये सही मतलब ये पेरेंट हुआ, है ना, और ये इसका आपको नहीं, पेरेंट जब कंबाइन का ऑफस्प्रिंग बनाता हो, इस ऑफस्प्रिंग का किसी एक ही पेरेंट के जैसा फीचर होगा, मतलब वन ऑफ द एफ1 जो है ना सर आपको रिसेंबल होगा, है ना, रिसेंबल होगा वन ऑफ द पेरेंट, है ना, वन ऑफ द पेरेंट, है ना, एक ही पेरेंट से आपको मिलता जुलता है। जैसे ये भी टॉल है ना, ये भी क्या सर आपको टॉल है जी, ठीक है। तो देखो इसका इसका फीचर मिल रहा है, लेकिन इसके साथ नहीं मिल रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहा है। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है एक ही फीचर किसी का मिलेगा, या तो मम्मी से मिलेगा या तो उसका पापा से मिलेगा जी, ठीक है, एक मिनट, है ना। तो हम बता रहे थे आपको क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या, रिसेंबल टू द वन ऑफ द पेरेंट, है ना, किसी एक पेरेंट के संपर्क में ये रहेगा जी, ठीक है। जो एबन जनरेशन है, या तो मम्मी जैसा दिखेगा या तो पापा जैसा दिखेगा जी, ठीक है, समझ रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि अगर कोई पेरेंट कंबाइन करे, है ना जी, जान क्या एनसीईआरटी का एग्जांपल दे रहे हैं, एक आपको स्नैप ड्रैगन नाम का एक पौधा है, उसमें आपको क्या होता है रेड कलर का एक फ्लावर होता है जी, ठीक है, रेड ऐसे लिखने का तो क्या ये डोमिनेंट होगा ना जी, है ना, और स्मॉल आर लिखने का क्या मतलब हो जाएगा सर, रिसेसिव हो जाएगा, रेड है ये, ये क्या सर आपको व्हाइट है, ये रेड होगा, ये क्या होगा सर आपको व्हाइट होगा जी, ठीक है। अब ये रेड व्हाइट कंबाइन करेगा ये दोनों सर, इसको पेरेंट के जैसा होना चाहिए ना, लेकिन ये बन गया मिड में, है ना, पिंक बन गया, पिंक बनना ये साबित कर रहा है ना ही परफेक्ट पिता जैसा है ना ही अपने मम्मी जैसा है जी, दोनों का मिक्स हो गया, ये इंटरमीडिएट आ गया ना, इंटरमीडिएट आया तो मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, मतलब ये फर्स्ट लोगों को फॉलो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि डोमिनेंस पूरी तरह से रेड ना बन पाया, इसमें व्हाइट का भी इन्फ्लुएंस है ना, देखो उजला आपको नहीं कि रेड को मिला दिया तो पिंक कलर आ गया, ये पिंक कलर क्यों आया सर, क्योंकि इसने आपको इनकम्प्लीट हो गया जैसे समझा दिया हम क्या बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद आइए को डोमिनेंस, जिसमें आपको कैपिटल आर स्मॉल आर को मिला है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर को मिला है, जब दोनों मिल गया ना सर, ठीक है, तो दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी नया नहीं कुछ बनाया, को एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये आपको राउंड भी है या रेड भी है, आप प्लस क्या है सर आपको व्हाइट भी है जी, ठीक है, रेड और व्हाइट दोनों है सर, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या नाम देंगे, को डोमिनेंस के नाम से। कल इस पर अच्छे से एक्सप्लेनेशन देंगे जी, अभी तो बस एक इंट्रोडक्शन जैसा बता रहे हैं, है ना जी, दोनों दिखाई दे रहे हैं यहाँ, डोमिनेंट डोमिनेंट है, रिसेसिव रिसेसिव भी नहीं हो पाया, मतलब ये भी आपको ताकत में अपना है, मतलब इसको चांप नहीं पाया, जबकि नियम कर रहा था ये इसको चांप देगा जी, ठीक है, जबकि ये नहीं चप पा रहा है, क्योंकि ये दोनों आपको एग्जिस्ट कर रहा है, को एग्जिस्ट, को माने साथ साथ होता है जी, ठीक है, को और डोमिनेंस मतलब दोनों डोमिनेंट है सर, मतलब इसका भी मतलब फॉलो नहीं हुआ, मेंडल का जो थर्ड स्टेटमेंट था लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि डिसिमिलर रहेगा तो एक ताकतवर रहेगा एक कमजोर रहेगा, लेकिन यहाँ सर देखिए दोनों ताकतवर निकल गया। अब सर मेंडल ये भी बोलता था कि पेयर फैक्टर हमेशा पेयर में रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक फैक्टर के तीन तीन विकल्प आ सकते हैं, जैसे आई नाम का डीएनए है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना कुछ दिन हाइट का जो डीएनए था उसका कैपिटल टी होगा या तो स्मॉल टी होगा, लेकिन इस केस में क्या देख रहे हैं कैपिटल टी ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, एक जिनके तीन विकल्प हो गए, जबकि आपको दो ही विकल्प देने का चुनने का आपको हक था, पर आपने तीन चुना है, इस घटना का क्या नाम देंगे हम लोग मल्टीपल अलील कहेंगे, मतलब ये भी नहीं फॉलो हो पाया, मतलब सेकंड लॉ को सेकंड लाइन को धक्का दे दिया ना, ये ज्यादा जी बात सुन करना चाहे, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट को धक्का नहीं को दिया, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस से तीन स्टेटमेंट था ना, एक फैक्टर से कंट्रोल होता है, दूसरा फैक्टर पेयर में रहता है ना, क्या अच्छा लीव करके फिर से ज्वाइन करो ना, हेलो ना लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिएगा, ओह चला वहां से कर देगा हो सकता है यही तो दिक्कत हो जाता है ऑनलाइन, आवाज ही गया, आवाज आ रहा है, बोलिए बोलिए, हाँ बोल रहे बोल रहे। तो देखिए है ना इस केस में जो हम लोग देखेंगे है ना, मेंडल ने कहा था ना कि तीनों स्टेटमेंट जो यहाँ पे था उसका कि फैक्टर हमेशा आपको फैक्टर से कंट्रोल, फैक्टर पेयर में रहता है, और यानी दूसरा लाइन है तीसरा लाइन का एक्सेप्शन मिल गया सर आज, है ना, ये दूसरा तीसरा लाइन का एक्सेप्शन हो गया ना एक तरह से जी, ठीक है, पहले पर आज हम क्या होना चाहे इसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, रहने दीजिए जी तक, ठीक है, कल देखते इसको हम, कल का क्लास पर है फिर कल के बाद फिर तेजी में खींचा जाएगा।
ठीक है, रहने दीजिए, हो गया। शाम में डीपीपी दे देंगे जी, ठीक है, शाम में 7 बजे तक डीपीपी आ जाएगा, बना लीजिएगा उस टाइम में, टाइम निकालो रे, पढ़ाई फर्ज भी तो जरूरी है इबादत के साथ।